हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु, हे प्रभु, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया हालेलुया। सोने चांदी की सहस्रों मोहरों की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक प्रिय है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। हालेलुया। प्रियजनों, संत पौलुस कहता है कि अगर पेड़ की जड़ पवित्र है तो उसका फल भी पवित्र होगा। मैं बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स अटेंड करता हूं, जो लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, और उनकी समस्याओं को सुनता हूं। समस्या को सुनने के बाद कभी कभी किसी निर्णय पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता नहीं लगता है कि समस्या कहां पर है। इसलिए प्रियजनों, हमारी जिंदगी में जब तक हम प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर लेते हैं, तब तक इलाज करना बहुत मुश्किल है। कई बार मरीज की मृत्यु हो जाती है और डॉक्टर उसकी बीमारी को डायग्नोज ही नहीं कर पाते हैं, और फिर बोल देते हैं कि बीमारी लाइलाज है, ये ठीक नहीं हो सकती है, इस बीमारी का कोई नाम नहीं है। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। समस्याओं को सुनने के बाद जब हम वचन का सहारा लेते हैं और वचन के माध्यम से इन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो अवश्य पता लग जाता है। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में हाजिर होके पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या, जिसके कारण कभी कभी हमें दंड भोगना पड़ता है, और अपने ही जीवन में किए गए कुकर्मों के कारण हम दंड भोगते हैं। कहने का मतलब ये है, ट्रांसजेनरेशनल प्रॉब्लम्स जो हमारे दादा परदादा से और पिता से और आगे ये चलती आई, और अब वो बच्चों के जीवन में भी ट्रांसफर हो गई। मैं क्यों इस वचन को दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि साधारण तौर पर यदि हम ये कहते हैं कि शुगर की बीमारी माता पिता से इनहेरिट हो सकती है, तो क्यों पाप माता पिता से इनहेरिट नहीं हो सकता? ये सोचने की बात है कि अगर माता पिता से हमें शुगर की बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है, तो उनके जीवन में किया गया पाप भी हो सकता है बच्चा इनहेरिट कर ले और वो उसके पीछे लग जाए और उसके जीवन को वो बर्बाद कर दे। तो कुछ एक समस्याएं, प्यारे भाइयों और बहनों, जिनका हल आप और मैं ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपको नहीं मिलता है, आज वचन के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ट्रांसजेनरेशनल प्रॉब्लम्स या समस्याएं हमारे जीवन में किस तरह से घर कर लेती हैं और हमारी जिंदगी को बर्बाद करने लगती हैं, और हमें पता ही नहीं चलता है कि ये प्यारे भाइयों और बहनों हमारे जीवन को नष्ट कर रही हैं। अगर बच्चे
अपने जीवन में अपने माता पिता से बपौती के रूप में संपत्ति हासिल करते हैं तो बच्चे बपौती के रूप में समस्याएं भी हासिल करते हैं। बच्चे बेपत्ति के रूप में इन सारी बातों को भी हासिल करते हैं। आप इससे अलग नहीं रह सकते। अगर किसी ने अपने माता पिता से बहुत धन संपत्ति क्या किया है, हासिल किया है बपौती के रूप में, तो उनके जीवन में जो समस्याएं थीं वो भी वो हासिल करेगा, वो भी उनके साथ रहेंगी। तो विरासत के रूप में पाई हुई विपत्तियां हमारे साथ रहती हैं, कहने का मतलब ये है। विरासत के रूप में प्राप्त किया गया पाप हमारे परिवार को नष्ट कर देता है। विरासत के रूप में किया गया कुकर्म हमारे परिवार को और जीवन को नष्ट कर देता है। जब तक कि यीशु मसीह उस पाप का या विपत्ति का लेखा जोखा बंद ना करे, उसका तंद ना काटे, तब तक वो आपके जीवन से जुड़ा रहेगा और आपको बर्बाद करता रहेगा। अगर आप उसका पता लगाने में असमर्थ रहे तो समझना कि आप संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाओगे। इसलिए घर में बीमारियों को, घर में परेशानियों को, घर में कर्जों को, घर में विपत्तियों के हल ढूंढने के लिए हमें वचन का सहारा लेकर वचन के माध्यम से प्यारे भाइयों और बहनों समझना जरूरी है कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। तो एक बात जो ट्रांसजनरेशनल प्रॉब्लम्स या समस्या के रूप में हम देखते हैं और वो सबसे बड़ी बात ये है, ये यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 47 में हम पढ़ते हैं। ये यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 47, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 47 वर्स 8 और 9, सुनिए ध्यान से। भोग विलास में निश्चिंत जीवन बिताने वाली, तू मन ही मन कहती थी कि मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं कभी विधवा नहीं होऊंगी, मैं कभी संतान से वंचित नहीं होऊंगी। अब मेरी बात सुन, तेरे बहुसंख्यक तंत्र मंत्रों और तेरे जादू टोने की भरमार के बावजूद वे दोनों विपत्तियां तुझ पर एक ही दिन टूट पड़ेंगी, संतानहीनता और विधवापन। संतानहीनता और विधवापन, एक दो पाप इंसान की जिंदगी में इस वचन के द्वारा ये सिद्ध करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन इज़राइल के लिए लिखा गया क्योंकि इज़राइल में अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना व्याप्त था और इन सारी समस्याओं के कारण उनके जीवन में आनंद नहीं था, खुशी नहीं थी, संतानहीनता थी, विधवापन थी, क्योंकि वो अपने ही जोश में, अपने ही अहंकार में कहते थे, हम तो कभी विलुप्त होने वाले में से नहीं है, हमारा कभी सर्वनाश नहीं हो सकता। और यही कहते कहते वचन ये कहता है कि वे अपने तंत्र मंत्र की सारी विद्याओं में क्या कर रहे थे, निपुण थे, ये सारे काम उनके जीवन में हो रहे थे। तो प्रभु ये कहता है, तेरे इन कामों के कारण दो विपत्तियां तुझ पर आन पड़ेंगी, एक तो संतानहीनता और दूसरा विधवापन तुझे आकर घेर लेगा। इसके अलावा अगर आप वचन पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हैं इन तमाम चीजों के विषय में। कहता आगे कहता है, तंत्र मंत्र और जादू टोना तू करती जा, जिसकी साधना तू बचपन से करती आ रही है, हो सकता है उससे तुझे कुछ लाभ हो और तू विपत्ति टाल सके। तू असंख्य परामर्शदाताओं से पूछते पूछते थक गई है, वे ज्योतिषी और शगुन विचारने वाले अब आकर तेरी रक्षा करें।
जो प्रत्येक अमावस को तुझे बताते हैं कि तुझ पर क्या क्या बीतेगी, वे भूसी के जैसे हैं, प्रभु कहता है। ये लोग भूसी के जैसे हैं, उन्हें एक ऐसी आग भस्म कर देगी जिसकी ज्वाला से वे अपनी ही रक्षा नहीं कर सकेंगे। वो आग तापने की लकड़ी नहीं है, उस आग के पास कोई भी नहीं बैठ सकेगा। जिन जादू टोना करने वालों के पीछे तू दौड़ती रही, जो बचपन से तेरा शोषण करते हैं, वे सब के सब स्वयं भटकते रहेंगे और तेरा उद्धार कोई ना कर सकेगा। कहता ये विपत्ति तेरे ऊपर आन पड़ेगी। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु पर विश्वास करते लेकिन उसके बाद जाकर इन सारी बातों में विलुप्त हैं, किसी ना किसी प्रकार से धागे ताबीज तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसे हैं। और कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पूर्वजों के घर में, आपके बाप दादाओं के घर में या आपके घर में अगर विचक्राफ्ट प्रैक्टिस किया गया है, अगर हाथ की रेखाओं पर विश्वास किया गया है, अगर भाग्य की रेखाओं पर विश्वास किया गया है, अगर तंत्र मंत्र विचारने वाले, भभूति लगाने वाले या किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जो भाग्य देखता है और नक्षत्रों के द्वारा आपके जीवन को बताता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला, ये सब ठग हैं, ठग जो आपका शोषण करते हैं। प्रभु कहता है इनकी, इनको ऐसी आग में झोंक दिया जाएगा, वो ऐसी आग है जिसके पास तू बैठ भी नहीं सकता, तू बैठ भी नहीं सकती। और कहता है कि ये सब के सब भटकते रहेंगे और तेरा उद्धार कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर घरों में, अगर परिवारों में ये प्रैक्टिस किया गया है तो समझ लेना कि ये दो पाप पीछा करते रहेंगे। विधवापन का मतलब है संतान होने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि आपके बच्चे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी देखभाल करने वालों में से नहीं है। पाप या दूसरी समस्या जो घर का पीछा करती है वो ये है प्यारे भाइयों और बहनों, कि अगर परिवार में किसी की हत्या कर दी गई है जानबूझकर या फिर उसे प्रेशराइज करके या किसी भी तरीके से घर में हत्या हो गई है, छोटे की या बड़े की, या किसी षड्यंत्र के तहत उसको मार दिया गया है, या फिर भ्रूण हत्या के द्वारा आत्मा मारू पाप कमा लिया गया है, तो यह एक दूसरा पाप है जो जब तक उसका खाता क्लोज ना हो यीशु मसीह के द्वारा और जब तक उसके लिए दंड ना भुगत लिया जाए, ये पाप पीछा करता रहेगा। दिस सिन विल रूल द फैमिली। हत्या का पाप परिवार को रूल करेगा प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि बाइबल ये कहती है, यर्मिया नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 5 और 6 में, कि तेरी संख्या बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, तेरी संख्या बढ़नी चाहिए। इसलिए मसीहों के लिए कलीसिया भ्रूण हत्या बिल्कुल बिल्कुल मना करती है। सिन ऑफ अबॉर्शन प्यारे भाइयों और बहनों मसीहों के लिए एक ऐसा पाप है जो कि जब तक आप उसके लिए दंड नहीं भुगतेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक वो आपके पीछे लगा रहेगा। ये दूसरा पाप जो घरों पर प्यारे भाइयों और बहनों अधिकार लेता है और जीवन में बढ़ने लगता है और परिवार को नष्ट कर देता है, हमें पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या हमारे जीवन में ये नहीं हुआ तो नहीं है, और उसके लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। क्यों मैं आपसे ये सब बातें आज प्रभु के नाम पर साझा करना चाहता हूं? क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो मैं प्रभु से कह रहा था कि प्रभु इन दिनों में बहुत सारे लोगों की समस्या है, आप क्यों इनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते? तो प्रभु ने कहा कि इन्हें याद दिलाओ कि अपनी जड़ों को शुद्ध करें, अपनी जड़ों को पवित्र करें। जड़ में कीड़ा लगा हुआ है इसलिए तना कैसे फल सकता है, और तना नहीं फलेगा तो उसमें फल कैसे लग सकता है? इसलिए परिवारों को अपनी जड़ों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो इसलिए
मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आपके घर में कुछ पाप ये वाला हुआ होगा, लेकिन विचार करेंगे, मनन चिंतन करेंगे तो कहीं ना कहीं पर जड़ मिल ही जाएगी। अगर जड़ मिल गई, अगर समस्या डायग्नोज हो गई, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। ये समस्याएं बहुत सारी हो सकती है। पिछले दिनों में मैंने आपसे बातचीत की थी कि आंतरिक चंगाई के लिए, अब बच्चे के जीवन में जो छोटा नवजात बच्चा है या थोड़ा बड़ा होता है या उससे भी बड़ा होता है, बच्चे माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, बहुत गुस्से वाला है, काम नहीं करता, आलसी है, सोया रहता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शोध में यह पाया गया है कि जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में होता है, लगभग 50-60% जो है वो अपनी मां से इनहेरिट कर लेता है, जिसे हम इनबॉर्न टैलेंट कहते हैं। एक शब्द हम यूज करते हैं लोगों के लिए कि ये टैलेंट तो इसमें इनबॉर्न है। इनबॉर्न का मतलब क्या है? जब वो मां के गर्भ में बढ़ रहा था तो उसकी मां कुछ किया करती थी, अच्छे गीत गाया करती थी, खुश रहा करती थी, अटखेलियां किया करती थी, काम किया करती थी, गर्भावस्था में भी काम किया करती थी और अपने गर्भ से बहुत खुश थी, तो वैसी ही बातें उस बच्चे के जीवन में भी जाएंगी। वैसा ही बच्चा इनहेरिट करेगा। क्यों? क्योंकि मां से वो अम्बिलिकल कॉर्ड से वो जुड़ा रहता है, तो मां गर्भावस्था के समय में जो कुछ महसूस करती है वो बच्चे को भी इनहेरिट करती है। अगर बच्चे को वो अम्बिलिकल कॉर्ड से खाना पहुंचाती है तो मैं समझता हूं कि वो बच्चे के जीवन में अपनी सांसें, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस, वो सारे उसके द्वारा उसके अंदर पहुंचते होंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर इनबॉर्न टैलेंट है। कई माताएं शोषण से गुजरती हैं, कई माताएं जबरदस्ती से बच्चे को गर्भ में धारण करती हैं, कई माताओं के लिए या पिताओं के लिए हो जाता है, यूं ही हो जाता है, चलो अब रख लेते हैं। ऐसी भावनाएं आप स्वयं बच्चे के अंदर क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। और जब ये सारी समस्याएं होती हैं तो उसका थोड़ा सा अंश आपको बच्चे के जीवन में देखने को मिलता है, धीरे 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 आपको देखने को मिलता है। तो यदि मां कर्मठ है तो बच्चे के जीवन में भी कर्मठता दिखेगी। यदि मां अच्छा गाने वाली है तो बच्चे के जीवन में भी वो गुण आ जाएगा। यदि मां बहुत सोशल है तो वो प्यारे भाइयों और बहनों उसमें भी सोशल होने का गुण आ जाएगा। आप सोचकर देखिए कि आपके तीन बच्चे हैं और तीन बच्चे अलग अलग व्यवहार के हैं। क्यों ऐसा? आपके तीन बच्चे हैं और तीनों में अलग अलग व्यवहार है, उसका कारण क्या है? क्यों तीनों एक जैसे नहीं होते हैं? एक बड़ा शांत रहता है तो दूसरा बड़ा क्रोध वाला रहता है और तीसरा बहुत ज्यादा नटखट रहता है। क्यों? या जिद्दी रहता है? क्योंकि मां इन तीनों बच्चों की गर्भावस्था के दौरान अलग अलग परिस्थिति से गुजरती है। जब पहले बच्चे की स्थिति आती है तो बहुत एक्साइटेड रहती है, क्योंकि नई नई शादी होती है और अब एक तीसरे व्यक्ति को आना है, तो वो बहुत ही ज्यादा उत्सुकता के साथ उसे ग्रहण करती है। परिस्थितियां बदलने लगती हैं, आर्थिक तंगियां होनी शुरू हो जाती हैं, हो सकता है समाज में या परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो मन थोड़ा कुंठित होने लगता है, सेकंड वाला हो या ना हो। इसी तरीके से तीसरे की, तो मैं बहुत विचार विमर्श करने के बाद इस निष्कर्ष पर उतरा कि तीनों बच्चों के जीवन में ये तीनों परिस्थितियां शायद समय के अनुसार जिस अवस्था से मां गुजरी है उस अवस्था से हुई होंगी। अब हो सकता है कि इसी दौरान ऐसी स्थिति आई हो कि जब दंपति ने
प्यारे भाइयों और बहनों, भ्रूण हत्या करने का निर्णय ले लिया हो, तो वो एक ऐसा श्राप जो है आने वाले बच्चे को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि यदि बर्तन ऑलरेडी गंदा हो चुका है, जिसमें ऑलरेडी खून बह चुका है, और उसको बिना शुद्ध किए, बिना पवित्र किए आप एक अन्य दूसरे बच्चे के लिए प्लान करते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उस बच्चे के ऊपर वो चीज अफेक्ट करती है। आप जरा सोच के देखिए, आप मेरी बातों से सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन आप इस बात पर सोचकर और विचार विमर्श करके देखिए कि इन बातों से जिन लोगों के जीवन में ये हुआ है उनके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है। आप में से अक्सर प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग बच्चों की आशा करते हैं, परिवार को बढ़ाने की आशा करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसमें फेल हो जाते हैं, हत्या कर बैठते हैं। तो अगर परिवार में हत्या कर दी गई है तो हत्या की दुष्ट आत्मा उस परिवार पर रूल करेगी, अधिकार लिए रहेगी, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, चाहे वो किसी प्रकार से किसी को प्रेशराइज करके की गई हो, या किसी को मार दिया गया हो, काट दिया गया हो, षड्यंत्र के तहत। इफ अबॉर्शन हैज टेकन प्लेस इन द फैमिली देन चिल्ड्रन विल बी इन बॉन्डेज। अगर अबॉर्शन घर में हुआ है तो प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चे उस बॉन्डेज में रहेंगे, उस बंधन में रहेंगे, जब तक कि आप उसके लिए प्रायश्चित नहीं कर लेते और वो बंधन तोड़ नहीं देते, और जब तक यीशु मसीह उस खाते को क्लोज नहीं कर देता। क्योंकि यीशु ने कहा, जिस पर हाथ रखोगे वो क्षमा हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, जिस पर पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वो क्षमा नहीं होंगे, क्योंकि जिसके लिए वो खोल देगा उसे कोई बंद ना कर पाएगा, और जिसके लिए वो बंद कर देगा उसे कोई खोल ना पाएगा। इसलिए इस पाप से, इस श्राप से छुटकारा पाना आवश्यक है। तीसरा पाप जो हमारे परिवारों पर रूल करता है, पाप की कमाई। पाप की कमाई की वजह से कभी भी घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर कोई व्यक्ति पाप की कमाई करके घर में लाता है तो उससे आपके घर में कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और बीमारी आपके घर को हमेशा अपने अधिकार में रखेगी। बहुत सारी बातें हैं पाप की कमाई के विषय में, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। अगले किसी प्रवचन में हम बताएंगे कि प्रवक्ता ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ पाप की कमाई के विषय में क्या कहता है, क्योंकि पाप की कमाई, प्रभु का वचन कहता है कि इन घर को संकट में डाल देती है। पाप की कमाई घर को संकट में डाल देती है और इंसान को मृत्यु के पाश में बांध देती है। इसलिए देयर विल नॉट बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और बीमारी घर से कभी नहीं जाएगी, चाहे ये बाप दादाओं ने किया हो, या पूर्वजों ने किया हो, या माता पिता ने किया हो, या इंसान ने खुद किया हो। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप अनुभव करके देख लीजिए। चौथी बात जो परिवार में अधिकार लेकर बैठ जाती है और परिवार को उन्नति करने नहीं देती है, वो है माता पिता का अनादर, या माता पिता को मारपीट करना, माता पिता के श्राप जो है प्यारे भाइयों और बहनों, वो बच्चों के जीवन में हमेशा रूल करते हैं। विशेष तौर पर वे लोग जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उन्हें मारते, उन्हें धकेलते, उन्हें पीटते, उन्हें गाली देते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 4-6 में कि पिता का आदर आशीर्वाद देता है, पिता की निंदा अपनी संतान से ही वो दुख प्राप्त करेगा। वो व्यक्ति जो अपने बाप की निंदा करता है,
उसे मारता है, वो अपनी ही संतान से क्या करेगा? दुख पाएगा, अपनी ही संतान से दुख पाएगा. सो देयरफॉर माई सिन बिकम्स अ बॉन्डेज फॉर मी. मेरा अपना ही कुकर्म, मेरा अपना ही पाप मेरे लिए क्या बन जाता है? एक बंधन बन जाता है, जब तक कि मैं उससे आजाद अपने आप को ना करूं. और क्या होता है? नेवर कम्स फ्रॉम गॉड बट फ्रॉम सिन. श्राप कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं आता, ये पाप की ओर से आता है. अब पाप चाहे अहंकार का हो, चाहे हत्या का हो, चाहे अपने आप को बड़प्पन का हो, चाहे माता पिता को अनादर का हो, प्रभु की अवहेलना का हो, किसी तरीके का भी पाप, वो हमारे लिए ही क्या बन जाता है? एक बॉन्डेज बन जाती है, एक बंधन बन जाता है. पांचवी बात, अगर परिवार में मजदूरों के प्रति अन्याय किया गया है तो प्रियजनों, उस काम में, उनके घर में, उनके दफ्तरों में, उनके खेत खलियानों में कभी भी ब्लेसिंग नहीं रहेगी. मजदूरों के प्रति किया गया अन्याय आपको कभी भी बरकतों में जीने नहीं देगा, आशीषें आपसे बहुत दूर रहेंगी. छठवीं बात, अगर परिवार में से किसी व्यक्ति ने अभिषिक्तों को मारा है, या उन पर अभियोग लगाए, या उन्हें गालियां दी, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उन घरों में आशीष नहीं रहेगी. बाइबल हमें बताती है कि मेरे अभिषिक्तों पर हाथ मत उठाना. स्त्रोत संख्या 105 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है कि मेरे अभिषिक्तों पर हाथ मत उठाना, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना. जकरिया नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि वे मेरी आंख की पुतली हैं, देखो यदि कोई उन पर हाथ उठाए तो मैं उन पर हाथ उठाऊंगा. तो यह भी एक समस्या है जो प्यारे भाइयों और बहनों हमारे जीवन में पूर्वजों से अगर चली आई है तो वो आपके परिवार पर रूल करेगी. इसलिए मैं ऐसे परिवारों को समझाने की कोशिश करता हूं कि वे सब के सब एकत्र हो जाएं, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप के साथ एकत्र हो जाएं और इस श्राप से मुक्त हो जाएं, घुटना टेकें, प्रभु के सामने नाक रगड़ लें. और प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है क्या जाने वो द्रवित हो जाए और वो तुम्हें क्षमा कर दे, क्या जाने वो द्रवित हो जाए और वो तुम्हें क्षमा कर दे और तुम पर लगा हुआ अभियोग मिटा दे. इसलिए ये जरूरी है कि हम प्यारे भाइयों और बहनों उस पाप के लिए क्षमा की याचना करें. जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और उससे आगे सुनिए ध्यान से. विश्वमंडल के प्रभु का ये कहना है, उसी महिमामय प्रभु ने मुझे यहां भेजा है, तुम मेरी आंख की पुतली हो, सावधान, जो तुम पर हाथ उठाए तो देखो मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूं और उनके दास भी उनको लूट लेंगे. इससे तुम जान जाओगे कि प्रभु ईश्वर ने ही मुझे भेजा है. तो पुरोहितों और अभिषिक्तों पर अभियोग लगाना, उन पर हाथ उठाना और उनको सताना, प्रभु को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वे उसके बेटे हैं. जिस तरह से आपके बच्चे हैं, मान लीजिए कि आपके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में 2 बहुत अच्छे हैं और 2 नालायक हैं. मान लीजिए कि एक बहुत पीता है और एक बहुत झगड़ा करता है या इधर उधर अय्याशी करता है, लेकिन आप फिर भी उन्हें प्यार करते हो. माँ का हृदय भी ऐसा ही है. परमेश्वर ने भी ऐसे ही आप लोगों में से ही इन कमजोर बेटे और बेटियों को चुना, जिनका शरीर प्यारे भाइयों और बहनों हाड़ मांस का है, जिन्हें शैतान प्रलोभन दे सकता, प्रलोभन में डाल सकता, और बहुत सारे लोग प्रलोभन में गिर जाते.
यदि आप अपने नालायक बेटे को प्रेम कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, उसे सब कुछ दे सकते हैं, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए अभिषिक्तों को प्रेम नहीं करेगा? क्या वो उन्हें छोड़ देगा? क्या वो उन्हें ऐसे ही जाने देगा? प्यारे भाइयों और बहनों, वो उन्हें दंड अवश्य देगा। वो कहता है प्रतिशोध लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपने बच्चों को देखो और मैं अपने बच्चों को देखूंगा। मैं इनका हिसाब इनसे लूंगा, तुम अपने बच्चों का हिसाब उनसे लो। इसलिए प्रभु के चुने हुए अभिषिक्तों पर आपको अभियोग लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि देखो ये मेरी आंख की पुतली है, अगर तुम पर कोई हाथ उठाए तो मैं उन पर हाथ उठाऊंगा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। आप अपनी नादानी में ये वचन समझें या ना समझें, ये अलग बात है। लेकिन बाइबल जो कहती है, बुक ऑफ जकरायाह चैप्टर 2:12, आप इसको पढ़ सकते हैं। और जितनों ने ऐसे अभियोग लगाए हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं प्यारे भाइयों और बहनों, आज वो अपने किए को भुगत रहे हैं। क्योंकि ये वचन किसी इंसान के नहीं है, ये वचन धर्मशास्त्र के हैं, पवित्र आत्मा से प्रेरित वचन और स्वयं परमेश्वर के वचन हैं। इसलिए इस पाप से मुक्त होना अनिवार्य है। जब तक आपका खाता प्रभु येसु क्लोज ना कर दे, दिस सिन विल रूल द फैमिली। और प्रभु ये कहता, जब तक समूल रूप से नष्ट ना हो जाओ, तब तक मैं तुम्हें ऐसा ही रखूंगा। चार पीढ़ियों तक श्राप दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी वाणी को ध्यान से सुनो और उस पर चलो, तो मैं तुम्हें हजार पीढ़ियों तक तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। एजेकियल नबी का ग्रंथ, एजेकियल नबी का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्या 30, प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्रभु ईश्वर ये कहता है, इसराइल के घराने मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौट कर अपने सब पापों को त्याग दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। हालेलुया। एक सातवां पाप जो परिवार पर रूल करता है, और वो है इमोरैलिटी प्रैक्टिस्ड इन फैमिली, जिसे हम कौटुंबिक व्यभिचार कहते हैं। परिवार में अपने ही लोगों के साथ व्यभिचार किया जाना, अगर ये प्रैक्टिस घर में हुआ है, तो समझ लेना कि ये दुष्ट आत्मा आने वाली पीढ़ियों में रूल करेगा, अधिकार लेगा और परिवार के बच्चों को गलत रिश्तों में डालेगा। वही संबंध, वही रिश्ते जो सोदोम और गोमोरा में होते थे, लोग सडोमिस्ट बन गए थे, वही पाप घर में भी होगा। दाऊद ने व्यभिचार किया और उसके अपने ही बेटे ने उसकी अपनी ही उपपत्नी के साथ भी, प्यारे भाइयों और बहनों, वही कुकर्म किया। इसलिए अगर ये घृणित पाप घर में हो गया है, तो प्रियजनों, बाइबल ये कहती है कि ये सारे के सारे क्या हैं? श्रापित हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वचन खोलेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 15 और उससे आगे। शायद सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन हमें जानना अवश्य है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। अभिशप्त है वो व्यक्ति
जो प्रतिमा खोदता या देवमूर्ति ढालता है, अर्थात देवमूर्तियों की पूजा करता है और उसे छिपकर स्थापित करता है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में कारीगर की कृति घृणित है। और सब लोग उत्तर में कहते थे आमीन। आगे लिखा है, अभिशप्त है वह जो अपने पिता या अपनी माता का अपमान करता है। वचन कहता है वो श्रापित है व्यक्ति। आगे लिखा है, अभिशप्त है वो जो अपने पड़ोसी की मेड़ को बदल देता है। मतलब वो व्यक्ति श्रापित है जो अपने पड़ोसी की मेड़ काट लेता है और उसको बदल देता है। उसके खेत में कभी भी उन्नति नहीं होगी वो, और अपने जीवन में उन्नति नहीं पाएगा। आगे लिखा है, अभिशप्त है वो जो अंधे को उसके रास्ते से क्या करता है, भटका देता है। आगे लिखा है, अभिशप्त है वो जो प्रवासी, अनाथ और विधवा के विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय देता है। याद रखे, कोई भी विधवा को ना लूटे, उसकी पेंशन अगर आती है तो उसको ना लूटे। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं, समस्याएं बताते हैं, फादर जी मेरी तो पेंशन आती है, जिस घर में हम रहते हैं वही लोग खा जाते हैं, मुझे तो देते ही नहीं है। और कहते हैं, उससे कहते हैं, बहन थोड़ा देना आज हमें, पेंशन से निकाल के दे दो, अकाउंट से निकाल के दे दो। ऐसी तमाम बातें प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ये कहता है कि जो विधवा और प्रवासी और अनाथ के विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय देता है वो व्यक्ति श्रापित है। आगे लिखा है, अभिशप्त है वो जो अपने पिता की पत्नी से संसर्ग करता है, अर्थात अपनी माँ के साथ संसर्ग करने की सोचता विचार करता है, वो व्यक्ति श्रापित है। अभिशप्त है वो जो किसी भी पशु के साथ गमन करता है। आज आप लोग देखते हैं कि किस तरह से पाश्चात्य देशों में प्यारे भाइयों और बहनों लोग पशुओं के साथ गमन करते हैं, किस तरह से उनका आचरण और उनका व्यवहार है। आगे लिखा है, अभिशप्त है वो जो अपनी बहन के साथ, चाहे वो अपने पिता की या अपनी माता की बेटी हो, प्रसंग करता। अभिशप्त है वो जो अपनी सास के साथ प्रसंग करता। ये सब कौटुंबिक व्यभिचार के अंतर्गत आते हैं, जिसे मैं कह रहा था इमोरालिटी प्रैक्टिस्ड इन फैमिली। अभिशप्त है वह जो छिपकर अपने पड़ोसी की हत्या करता है। अभिशप्त है वो जो निर्दोष का रक्त बहाता, अर्थात भ्रूण हत्या करता है और घूस लेता है। अभिशप्त है वो जो इस संहिता के शब्दों का पालन नहीं करता। इन ऐसे तमाम प्यारे भाइयों और बहनों, पाप जो हैं वो परिवारों का पीछा करते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 8-9 कि पापियों की संतति क्या है, वो अभिशप्त है। पापियों की संतति बाइबल कहती है कि श्रापित है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 41 हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि पापियों की संतति कभी भी नहीं पनपेगी। अध्याय 41 बुक ऑफ सिराक चैप्टर 41 वर्स 8-9, पापियों की संतति अभिशप्त है, वह अधर्मियों के साथ रहती है। पापियों की संतति अपनी विरासत खो देगी और उनके वंशज सदा के लिए कलंकित होंगे। उनके वंशज क्या होंगे, सदा के लिए कहता है, कलंकित होंगे। अध्याय 40 में लिखा है, अध्याय 40 पद संख्या 15 में लिखा है कि दुष्टों की संतति नहीं पनपेगी, क्योंकि पापियों की जड़ें ऊंची चट्टान पर लगी हुई हैं। अध्याय 47 में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक चैप्टर 47 वर्स 21, चैप्टर 47 वर्स 21, किंतु आपने अपने को स्त्रियों पर अर्पित किया और उन्हें अपने शरीर पर अधिकार दिया। आपने अपने यश पर कलंक लगाया, आपने अपने वंशजों को दूषित किया, अपनी संतति पर क्रोध उत्पन्न किया और उन्होंने आपकी मूर्खता पर शोक मनाया। उन्होंने आप
की मूर्खता पर शोक मनाया प्यारे भाइयों और बहनों। अगले वचन में लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ सिराख चैप्टर 34 वर्स 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है, क्या दूषण से पवित्रता और झूठ से सत्य निकल सकता है? प्यारे भाई और बहनों, कभी नहीं निकल सकता है। इसलिए हमें अपने आप को आजाद करने की आवश्यकता है। एक सुंदर वचन पौलुस हमें देता है कि आप लोग क्या करें, कि हम अपनी जड़ों को पवित्र करें, हम अपनी जड़ों को पवित्र करें। और इन सारी विरासत के रूप में पाई हुई विपत्तियां और पापों से हम आजाद हो जाएं, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप डायग्नोज करें कि प्रॉब्लम कहां पर है, आप जानते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अंगीकार नहीं करना चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और बाइबल ये कहती है कि जो अपने पापों को प्रकट करके छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी और वही पवित्रता हासिल करेंगे। ये बाइबल की बातें थी जो मैंने आपसे कही हैं आज। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए इन बातों के लिए प्रायश्चित करने की हमें आवश्यकता है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां पवित्र होंगी अगर आप अपने आप को पवित्र करेंगे। अंत में एक वचन, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 16, प्यारे भाइयों और बहनों, कि यदि गुंधे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है तो सारा गुंधा हुआ आटा पवित्र है, और यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र हैं। यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई हैं और आप जो जंगली जैतून हैं उनकी जगह पर कलम लगाए गए हैं और जैतून के रस के भागीदार बने, तो आप अपने को डालियों से बढ़कर ना समझें। यदि आप गर्व करना चाहते हैं तो याद रखें कि आप जड़ को नहीं संभालते बल्कि जड़ आपको संभालती है। आप कहेंगे डालियां इसलिए काटकर अलग कर दी गई कि मुझे कलम लगाया जाए। सुन लीजिए ध्यान से क्या कहता है, कहता है डालियां जड़ों को नहीं संभालती हैं बल्कि जड़ें डालियों को संभालती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों से चली आई हुई बातें और पवित्रता आने वाली पीढ़ियों को पवित्रता प्रदान करती हैं, उन्नति प्रदान करती हैं, ना कि आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों को पवित्र करती हैं। इसलिए कहता है कि आप लोग इस पर गर्व ना करें कि आप लोग अपनी जड़ों को पवित्र करते नहीं, कहता है जड़ों के कारण आप लोग संभाले गए हैं और अगर वो पवित्र हैं तो आप पवित्र होंगे। कहता है आटा गूंदने वाला जो पहला पेड़ा यदि पवित्र है तो सारा आटा ही पवित्र होगा, यदि वो ही पवित्र नहीं तो कुछ भी पवित्र नहीं होगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन के लिए, मैं अपने जीवन के लिए, अपने पापों के लिए, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, फेंक दो, एक नया हृदय, एक नया, और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्रभु ईश्वर ये कहता है, हे इज़राइलियों, हे इज़राइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो, तुम क्यों मरना चाहते हो, पश्चाताप करो, और पश्चाताप का, और पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, उचित फल उत्पन्न करो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, यर्मिया नबी का ग्रंथ, यर्मिया नबी का अध्याय 26 पद संख्या 13, अपना आचरण सुधारो, अपना आचरण सुधारो, अपने ईश्वर की बात मानो, अपने ईश्वर की बात मानो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है, धमकी दी है, वह उसका विचार छोड़ दे, उसका विचार छोड़ दे। हालेलुया 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 हालेलुया।